भाई चलो। ये देखो किशनराव जी, यहाँ पे जो तन्नाशेक आता है ना मैक्स करके, वो मारा है पहले, उसका हुआ साइड इफेक्ट, वो जमीन के बाहर निकला और जो चना जो पौधे निकल रहे थे उसको भी डैमेज हो गए थे। आज अच्छी कंडीशन है, आज कवर होगा यहाँ पे, वो लोग भी कम दिखते। कम से कम किशन राव जी इसको 40 दिन हो गए सोइंग करके, पेलनी करके। फ्लोर इसके बाद में फ्लोर नहीं आया अभी तक के तो। ये वैरायटी को या अंकुर का चिराग है, इसको लेट आता है 50 से 55 दिन तक। 55 दिन लगती है इसको। हाँ फ्लावरिंग आने के लिए 55 से 60 दिन। बीच में यदि कुछ डिस्टर्ब किया, तन्नाशक वगैरह मारा, तो उसका पीरियड थोड़ा सा 2-4 दिन लंबा हो जाता बढ़ जाता है। है। अभी क्राउडी वेदर है, ढगाड़ वातावरण जिसको बोलते हैं, उसमें फ्लावरिंग अच्छा आता रहता है कॉटन को, ये चने के लिए। कॉटन तो सदाबहार है, अभी ये ठंड बढ़ने के बाद कॉटन का फ्लावरिंग रुक जाता है। इसको पोषकवादी, इसको कम पानी लगता है कॉटन को, इसको पानी कब देना पड़ेगा? बहुत बहुत कम देना पड़ता, 2-3 पानी में आ जाता है। ये फवारने भी कर रहे हैं ना, चलो अब ये फवारने चलो, इसके बाद में इसको कितने दिन के बाद में पानी देना पड़ेगा? ये 15 दिन के बाद में। अभी ये जमीन में नमी अच्छी है, देख रही हो सब इधर, और ये शायद मेरे ख्याल से कितना 20-21 एकड़ चना आ जाएगा, है ना? हाँ, 20 एकड़ 20 एकड़ का प्लॉट है। पूरा पूरा, यहाँ पे थोड़ा सा पतला है। ये ऐसा ऐसा होना, इसका डिस्टेंस भी ये हो जाता बराबर, मैच हो जाता बराबर। इसको हम किशन राव टाइम टू टाइम विजिट करते। अभी फिलहाल में मेरा ऑपरेशन हो गया, इसलिए ज़्यादा बातचीत करते नहीं आता। ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर ने नहीं बोला, बोलने का नहीं बोले ज़्यादा। आज भी क्राउडी वेदर है, बारिश की संभावना है ये वर्धा जिले में। अभी